यदि आप जोधपुर घूमने के शौकीन हैं और आपने जोधपुर का क्लॉक टावर नहीं देखा तो आपका घूमना भी अधूरा है। जोधपुर के सदर बाजार में स्थित है क्लॉक टावर, अपने आप में सत्यापत्य कला का एक अनूठा नमूना है। साथ ही इसमें लगी घड़ी दुनिया की एकमात्र घड़ी है। घड़ी की खासियत बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि 1910 में जोधपुर में राजा सरदार सिंह का शासन था। उनके नाम पर नई सड़क के पास सरदार मार्केट बनाया गया और यहाँ बीचों बीच बनवाया गया क्लॉक टावर, जहाँ चारों दिशाओं में चार घड़ियाँ समय दिखाती हुई दिखाई देती है। इस घड़ी के डायल अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती है, यह तीनों बार नीचे आते हैं। एक सप्ताह में यह बारह पूरे तरीके से नीचे आ जाते हैं और इसके बाद सप्ताह में एक बार इसकी चाबी भरी जाती है। इसके बाद घंटाघर की तीसरी मंजिल पर चारों दिशाओं में चार घड़ियाँ लगी हुई है। ऐसी एक घड़ी सिर्फ लंदन के क्लॉक टावर पर लगी हुई है। राजस्थान में भी कई जगह क्लॉक टावर है और वहाँ भी कई घड़ियाँ लगी है, लेकिन इस घड़ी की मशीनरी अलग है, कैटेगरी अलग है। सप्ताह में एक बार गुरुवार को इस घड़ी की चाबी भरते हैं, फिर पूरे सप्ताह घड़ी चलती है। ये क्लॉक टावर महाराजा सरदार सिंह जी के समय में बनाया है और ये मार्च 1910 में इसका निर्माण हुआ था और लगभग 112 साल इसको बने हुए हो गए। और अब इसमें उस समय तो मार्केट के हिसाब से बनाया था और मार्केट में ऐसा था कि इसमें शुरू से जन्म से लेकर मृत्यु तक सब सामान यहाँ पर उपलब्ध था। और आज की स्थिति में हमारे महापौर साहब और सीओ साहब ने इसको पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए जो पहले इसका समय था अपने 10 से 5 बजे तक दिखाने का, उसको सुबह 7 से रात को 10 बजे तक कर दिया है। इससे क्या है कि पर्यटक को तो आने में शाम को आने में भी सुविधा रहती है और इससे करीबन नवंबर से लगकर अब तक करीबन 15,000 दर्शक घंटाघर देख चुके हैं और इससे निगम को कम से कम 6 लाख रुपए की आई हुई है अभी तक। विशेषता ये है इस घड़ी की कि ये मैकेनिकल घड़ी है और जो दूसरी जो घड़ियाँ हैं वर्ल्ड पे लगी हुई है वो सब इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल घड़ी है। ये सिर्फ वर्ल्ड में दो घड़ी थी, एक तो अपने यहाँ, एक लंदन में बिगमैन है, लेकिन वो बिगमैन वाली भी घड़ी भी बंद है आज की तारीख में, जबकि अपने भारत वाली ये घड़ी है जो जोधपुर वाली की चालू है अभी भी। और इसको बनाने के लिए उस समय करीबन 1 लाख रुपये खर्चा आया था और इसको इसी मॉडल को वापस नहीं बनाया, उसके लिए 1 लाख और महाराजा ने उसको अनुबंध किया था कि इस मॉडल की और दूसरी घड़ी नहीं बनाएंगे।